कि इंसान तो वही इंसान कहलाने का मुस्तहिक है कि जिसने जिंदगी में अपना कोई हदफ मुअय्यन किया हो, कोई गोल तय किया हो कि मुझे वहां तक जाना है। और अगर किसी इंसान ने अपना कोई हदफ, कोई आदर्श, कोई नस्बुल ऐन मुकर्रर किया है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, और उसके लिए अपने हैवानी तकाजों को दबाना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं कि आधी रात तक जो है लालटेन जलाओ, बर्निंग मिड नाइट ऑयल, आप करते हैं, रातों को जागते हैं। हज़रत अली ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यगूसुल बहर मन तलब अल्लाली व मन तलब अल्गुला सहर अल्लेयाली, जो शख्स भी मोती चाहता है हासिल करना समंदर से, उसे समंदर के अंदर गोता लगाना पड़ता है, और जो शख्स दुनिया में अपनी जिंदगी में कोई ऊंचा मकाम हासिल करना चाहता है उसे रातों को जागना पड़ता है। वमन तलब अल्गुला मिन गैरे कद्दिन अदाउल उम्र फी तलब अल्मुहाली, और जिसने ये चाहा कि बुलंदी भी हासिल हो जाए, रिफत भी हासिल हो जाए, ऊंचा मकाम भी हासिल हो, मेहनत भी ना करूं, तो उसकी जिंदगी जो है विशफुल थिंकिंग के अंदर ही गुजर जाती है, जाय हो जाती है। तो गोया कि अब जो शख्स भी किसी मकसद का हुसूल चाहता है उसे अपने दाइयात हैवानिया, दाइयात नफसानिया को कंट्रोल में लाना होगा, इन्हें दबाना होगा, इन्हें काबू में रखना होगा, वरना वो जिंदगी जो है महज एक हैवान की हैसियत से गुजार कर चला जाएगा। बल्कि सही तौर पर मैं यूं कहा करता हूं कि जिंदगी उसे गुजार जाएगी। वो क्या जिंदगी गुजारेगा, जिंदगी तो वो गुजारता है जिसने जिंदगी में अपना कोई नसबुल ऐन मुअय्यन किया है, उसके लिए जिद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इसार कर रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहा है, रातों की नींद की कुर्बानी दे रहा है, वो शख्स है असल में जो इंसान कहलाने के लायक है। कुरान मजीद में भी सूरह आराफ में जो फरमाया गया उलायक कल अनाम बलहु मबल, वो तो चौपायों के मानिंद हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, इसलिए कि चौपायों को तो पैदा ही किया गया उस लेवल पर, और ये इंसान होते हुए उसी लेवल पर जिंदगी गुजार रहा है, तो ये उससे भी ज्यादा गिरा हुआ।